जी जीता था भूल के तेरी गली में आया भूल के चंगा दोस्तों पठान टू से पहले आएगी पैंथर और लोकेश नागराज ने पैंथर पर बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट देते हुए कहा है कि शाहरुख खान का मुकाबला करने का पावर किसी भी एक्टर में नहीं है और पैंथर के लिए भी मैंने शाहरुख खान के लिए एक स्टोरी तैयार कर ली है और बहुत ही जल्द आप लोग के बीच कुछ अलग धमाका भी देखने को मिल सकता है और वही बताया जा रहा है कि शाहरुख खान भी पैंथर की स्टोरी को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं और जब से किंग खान ने पठान में काफी शानदार एक्शन किया है तब से लोग शाहरुख खान को एक्शन मूवी में काफी ज्यादा डिमांड करते हैं और शाहरुख खान के फैंस लोगों का भी कहना यह है कि किंग खान की जो भी मूवी आए वो एक्शन मूवी हो और शाहरुख खान आप लोग के बीच एक्शन मूवी लेकर आने वाले हैं जिसका नाम पैंथर बताया जा रहा है और पैंथर मूवी के लिए शाहरुख खान तैयारी में लग चुके हैं और वहीं किंग खान की ऑफिशियल रिपोर्ट के माने तो बताया जा रहा है कि इस फिल्म पैंथर का बजट 500 करोड़ होने वाला है और इस फिल्म को एक्शन को बनाने के लिए हॉलीवुड के मिशन इम्पोसिबल के बड़े से बड़े एक्शन डायरेक्टर से हेल्प ली जाएगी कहने का मतलब यही है कि शाहरुख खान का मोस्ट पॉपुलर एक्शन में से वन ऑफ द वन मूवी होगी क्योंकि उस मूवी के अंदर जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी और जिस तरीके से इस मूवी के ऊपर खर्चा किया जा रहा है और इससे मुझे लगता है कि आने वाले समय में पैंथर का मुकाबला कोई भी मूवी नहीं कर पाएगी और वही पैंथर मूवी जवान पठान और गद्दर टू का भी रिकॉर्ड तोड़ने का पावर रखेगी और आने वाले समय में जो शाहरुख खान का एक्शन देखने को मिलेगा उसको देखकर आप लोग भी चौंक जाएंगे और मूवी सच में काफी शानदार और बेहतरीन होने वाली है तो आप लोग इस मूवी के अनाउंसमेंट को लेकर कितना ज्यादा एक्साइटेड हैं कमेंट करके जरूर बताएं और दोस्तों आप लोग भी किंग खान शाहरुख खान को दिल से सपोर्ट करते हैं तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करें